और ये हमारे शब्द नहीं थे। मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है, वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको। ये कॉनराड सांगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे, ये कि सबसे भ्रष्ट नंबर वन भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा चल रहा है, ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में। ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था। तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैया, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभैये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं दो सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या? और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं, ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए, और उस समय हमें ये सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि पहले अगर आप सुओ मोटो पे पूछ लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। The Indian media doesn't want to question charges of corruption that the ruling establishment is found deeply entrenched in. Speaks a lot about where we are. Sorry? नहीं नहीं आप अगर पूछना चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं। जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं उनका बयान मैंने बीफ पर सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है। दो शब्द की चुनौती देती हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोल दे जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है। तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ ये बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने पर्सिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिख पोती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है? और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो? डू यू वांट टॉक अबाउट इट इन इंग्लिश? द बीजे बाद में आपने उनके नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो चुनाव के पहले और
जो स्टैंड बदलने का जो इतिहास रहा है उसमें कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तो वैसा ही है जैसा आप आरोप मेघालय में बीजेपी को लगा रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक हमारा बयान निकालकर दिखवा दीजिए जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो कि हम स्पेशल टास्क फोर्स गठित करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, क्योंकि ये नंबर वन भ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार का आप 5 साल हिस्सा रहे उसके खिलाफ आप प्रोब कराने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, और अब आप उनके साथ गलबैया करने को तैयार और हम सवाल भी ना उठाएं, ये तो नहीं होगा। आपने हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करी, बड़ा अच्छा जिक्र लाया, क्योंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया है कस्बा पेट पर। अभी भाजपा उस हार से उबर नहीं पाई है और भाजपा ने हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो जो करना था महाराष्ट्र में वो करके लोकतंत्र को बिल्कुल क्षीण करने का काम किया है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कट्टरता का, हमारे कौन से अलायंस पार्टनर ने कौन सी कट्टरता दिखाई है? मुझे लगता है सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन आज की वस्तुतः स्थिति को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोलें, वो शायद लोकतंत्र का भी असम्मान होगा।